हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि किसी हिंदी फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट भी इतना बवाल हो सकता है। एटली कुमार ने अपनी नई मसाला फिल्म जवान में शाहरुख खान को जो धांसू लुक दिया है, वो शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। पट्टियों से बंधा और छिपा रक्त रंजित चेहरा, एक्टरों के चेहरे के साथ ऐसी खुराफातें बिरले ही फिल्मकार कर पाते हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन ने डार्क नाइट राइजेस के लिए टॉम हार्डी जैसे इंटेंस एक्टर का चेहरा एक अजीब से मास्क से पूरा ढक दिया था, और केवल खरखराती आवाज से टॉम हार्डी ने क्या गजब का अभिनय किया था। उम्मीद है एटली ने जो शाहरुख के चेहरे पर पट्टियां बांधी हैं, वो सिर्फ खुराफात करने के लिए या हमारी अटेंशन पाने के लिए नहीं किया होगा, और सही में जवान नाम की इस फिल्म में इन पट्टियों और पट्टियों के पीछे छिपे चेहरे की कोई सॉलिड कहानी होगी। वैसे शाहरुख के इस लुक से मुझे 2007 की एक स्पैनिश फिल्म भी याद आ गई, नाम है टाइम क्राइम्स, जिसका की मुख्य किरदार टाइम ट्रेवल करते करते पूरे चेहरे पर रक्त रंजित पट्टियां बांधकर घूमने लगता है। इसी तरह 1990 में आई डार्कमैन नाम की फिल्म में भी लियाम नीसन का किरदार चेहरा खराब हो जाने के बाद पट्टियां बांधकर रिवेंज लेता है। इसके अलावा भी कई दूसरी फिल्में और सीरीजें हैं जिसमें नायकों ने या फिर किसी और अहम किरदार ने अपने चेहरे को छिपाने के लिए नकाब का सहारा लिया, और ऐसा इलॉजिकल न होकर कहानी का एक अहम हिस्सा साबित हुआ। जैसे हाल ही में आई दी बैटमैन फिल्म में रिडलर नाम के विलेन ने खुद का चेहरा छिपाया, और वॉचमैन नाम की बेहतरीन सीरीज में नायकों को अपना चेहरा छिपाना पड़ा क्योंकि समाज को सुपर हीरोज नहीं चाहिए थे। हो सकता है इस फिल्म जवान में शाहरुख खान का लुक और बैक स्टोरी इन्हीं में से किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हो, या ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो। बिना टीजर या ट्रेलर के अभी कुछ कहना बेवजह की जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होगी कि आने वाला साल 2023 शाहरुख खान का साल होने वाला है। 2018 में आई जीरो के बाद पिछले 4 साल से एक फिल्म भी नहीं, और अगले साल 3 फिल्में, वो भी एकदम मुख्तलिफ मिजाज के सब्जेक्ट्स पर मुख्तलिफ मिजाज के ही निर्देशकों के साथ। सबसे पहले आएगी एक्शन पैक पठान 25 जनवरी 2023 को। ये शाहरुख खान को एक देशभक्त पठान के रूप में पेश करेगी, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, लेकिन जिसके लिए देश धर्म होगा और देश की रक्षा करना उसका कर्म होगा। पठान का निर्माण यशराज फिल्म्स ने किया है और निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ साहब की पिछली फिल्म वॉर ने उन्हें बतौर एक्शन डायरेक्टर अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी दे दी है, इसलिए जनता को उम्मीद है कि उसी स्तर का हाई ऑक्टेन एक्शन बॉलीवुड की इस मसाला एंटरटेनर पठान में भी देखने को मिलेगा। दूसरी फिल्म है तमिल फिल्मों के डायरेक्टर एटली की जवान, जो कि 2 जून 2023 को रिलीज होगी। केवल 45 साल के एटली कुमार को तमिल भाषा की मसाला फिल्में बनाने के लिए अलग से जाना जाता है, और खासकर विजय के साथ इन्होंने थेरी, मरसल और बिगिल जैसी हिट फिल्में दी हैं। हिंदी फिल्मों का दर्शक हाल फिलहाल में साउथ सिनेमा की पैन इंडियन फिल्मों की सफलता देखकर लगभग बौरा चुका है, और अब शाहरुख खान ने बेहद स्मार्टली साउथ के एक डायरेक्टर को हायर कर उसी पैन इंडिया लहर में खुद को शामिल कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ एटली का फैन बेस साउथ में है और शाहरुख खान का नॉर्थ इंडिया में, तो क्या दोनों मिलकर एक ऐसी ओवर द टॉप क्रॉसओवर फिल्म तैयार कर पाएंगे जो शाहरुख को वही सफलता तमिल सिनेमा के दर्शकों के बीच दिलवाए जो KGF और RRR जैसी फिल्मों को हिंदी बेल्ट में मिली है। देखते हैं, क्योंकि शाहरुख के बवाल लुक ने उम्मीदें तो काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। तीसरी फिल्म है राजकुमार हिरानी की डंकी, जो कि 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी, और शाहरुख खान की इसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार भी है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन पर बन रही इस फिल्म में राजकुमार हिरानी का ह्यूमर में डूबा सोशल सटायर जाहिर तौर पर कहानी के स्तर पर पठान और जवान से बेहतर कहानी हमारी नजर करेगा, और एक सॉलिड स्क्रिप्ट की टेक लेकर हिरानी साहब निसंदेह शाहरुख खान से बेहतर अभिनय भी करवा कर ही मानेंगे। यानी कि 100 बातों की एक बात, 2023 में शाहरुख खान से उम्मीद लगाना बनता है बॉस। बंदा को अलग करने की ख्वाहिश में नई नई कहानियों और नए निराले निर्देशकों के पास जाने की लगातार कोशिशें जो कर रहा है, कम से कम रीमेक और पीरियड फिल्मों के लालच में तो मीडियोकर सिनेमा का हिस्सा नहीं बन रहा है। अब बस डर इतना ही है कि फैन और जब हैरी मेट सेजल और जीरो की तरह इन फिल्मों की भी कहीं दुर्गति न हो जाए और अपने नायाब कॉन्सेप्ट्स को ये रोचक स्क्रिप्ट की शक्ल देने में कामयाब रहें, फैन और जीरो की तरह सेकेंड और थर्ड एक्ट में रायता न फैला दें
तभी तो 2023 के किंग शाहरुख खान बनेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।